भगवान बुद्ध कहते हैं, इंसान का जैसा विचार होता है इंसान धीरे धीरे वैसे ही बन जाता है। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुजी, जल अग्नि वायु ये सब तत्वों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तत्व कौन सा है? गौतम बुद्ध ने उन्हें जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पत्थर है, क्योंकि वह कठोर है पर लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पर अगर हम बात करें आग की, तो आग लोहे से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसमें से मनचाहा आकार दे सकता है। लेकिन आग चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, पर जल में वो ताकत होती है कि वो आग को भी शांत कर देता है, इसलिए जल आग से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इस जल के बने हुए बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है, इसलिए वायु जल से भी अधिक शक्तिशाली होता है। किंतु हमारी इच्छा शक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो तो इन वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है। इसलिए सबसे अधिक कोई तत्व शक्तिशाली है तो वो है हमारी इच्छा शक्ति। मनुष्य की इच्छा शक्ति से बलशाली तत्व और कोई नहीं हो सकता है। यदि हम कोई काम अपनी इच्छा से करें तो हमें सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें अगर सफल होना है तो कोई भी काम अपनी इच्छा से करना चाहिए, क्योंकि हम सफल तभी हो पाते हैं जब हम दूसरों की नहीं बल्कि खुद अपनी इच्छा से कोई काम में अपना 100% देते हैं। खुद अपनी इच्छा से शुरू किया हुआ काम कभी भी रुकता नहीं है और हमेशा सफलता मिलती ही है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।